बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों की जान माल इज्जत आप लोगों की हिफाजत फरमाए, आपके रिजक में बरकत अता फरमाए। अच्छा जी, आज मैं बहुत ही मज़ेदार किस्म की जो है ना मीठी टिक्कियों की रेसिपी लेके आई हूँ। मीठी टिक्कियाँ बनाने के लिए मैंने 2 कप मैदा ले लिया है, 1 कप मेरे पास चीनी है जिसको मैंने पाउडर जिसका बना लिया था, ठीक है, और 1/2 कप मेरे पास सूजी है। 2 कप मैदा, 1 कप चीनी और 1/2 कप सूजी, ठीक है जी। 3 टेबलस्पून के करीब मेरे पास देसी घी है, इसमें हम खोपरा डालेंगे 1.5 टेबलस्पून है, पिस्ता बादाम है 1-1 टेबलस्पून, इलायची पाउडर 1 टीस्पून और ये है वाइट तिल, सफ़ेद तिल जो होते हैं ये भी 1 से 1.5 टेबलस्पून के करीब है मेरे पास। चलें तो स्टार्ट करते हैं। चलें जी, चीनी जाने लगी है मैदे में, चीनी डालती है। अब हम इसमें सूजी डालने लगे हैं, तो मैंने 1/2 कप ले लिया। ये जा रहे हैं तिल, सफ़ेद तिल ये 1.5 टेबलस्पून मैंने ले लिए हैं, खोपरा है ये मेरे पास ये भी 1.5 टेबलस्पून लिया था मैंने, और ये इलायची पाउडर है, ठीक है, ये 1 टीस्पून है मेरे पास। अब हम इसमें देसी घी डाल देते हैं जो मैंने 3 टेबलस्पून ले लिया है। अच्छा, अब इनको इसको ना हाथ की मदद से हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, 3 से 4 मिनट तकरीबन इसको हमने अच्छे से मिक्स करना है। इस तरह से जो टिक्कियाँ होती हैं ना वो बहुत खस्ता बनती हैं। मिक्स कर लिया, अब हम इसे दूध से ना अच्छा सा गूंद लेंगे, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि आप आटा गूंदती हैं, लेकिन थोड़ा सा हार्ड रखेंगे हम इसको। जैसे मैंने आपको बताया था, ये हमने गूंद लिया अच्छे से आटा, अब हम इसको ना 1/2 घंटे के लिए रख देंगे, फिर हम इसको शेप बना लेते हैं, ठीक है। 1/2 घंटे के लिए इसको रख दें, सेट होने दें, फिर हम इसकी टिक्कियाँ बनाएंगे। चलें जी, अब हम इसको, मेरे पास कुकी कटर है, मैं उससे कर रही हूँ, लेकिन हम किसी गिलास, किसी कप, किसी ढक्कन, जो भी आपके पास चीज़ अवेलेबल है आप उसकी हेल्प से कर सकती हैं। ये देखें जनाब, ये देखें, ये हमें शेप और ये हमें इतनी मोटी चाहिए। तो अब हम इन्हें डीप फ्राई कर लेते हैं। हमने इसको लो फ्लेम पे डीप फ्राई करना है, तकरीबन 8 मिनट तक हमें डीप फ्राई करना होगा। साइड चेंज करते रहिएगा और लो फ्लेम पे कीजिएगा इसको फ्राई। गोल्डन ब्राउन होने तक हमने इसे फ्राई करना है। ये देखें जनाब, कितना प्यारा कलर आ गया। मैंने छोटे साइज में रखी है, इसलिए 5 मिनट में ही इतनी अच्छे से फ्राई हो गई है। अगर आप बड़े साइज की बनाती हैं तो फिर 8 मिनट में आपकी तकरीबन फ्राई हो जाएगी। चलिए अब इसे निकाल देते हैं। देखें जनाब, मज़ेदार सी मीठी टिक्कियाँ बनके तैयार हैं, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही क्रिस्पी बनी है। चलें तो जनाब ट्राई करते हैं, देखें कितनी क्रिस्पी बनी है। लाजवाब। उम्मीद करती हूँ मेरी रेसिपी आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो लाइक और शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।